वैभव मेंटेनेंस अब जो है वो बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे आज। क्या अपडेट है आपके पास? जो सुविधाएं हैं वो रेलवे के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को देने जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर कई वो शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे, क्योंकि पीएम मोदी 10 बजे वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश को 100 करोड़ की लागत का इस तरह से मेंटेनेंस हब बनाया गया है, और जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसकी सौगात मिलने जा रही है। बीना में जनऔषधि केंद्र खोला जाएगा, बंद प्रोडक्ट वगैरह जो 3 जो शॉप्स हैं उसका रानी कमलापति स्टेशन पर बनाई गई हैं, भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनाई गई हैं, उनका भी उद्घाटन आज किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज सौगातों का दिन है देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। पीएम मोदी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रही हैं। और रेलवे को लेकर जिस तरीके से हमने देखा था, पहले रेलें काफी गंदी रहती थी, लेकिन स्वच्छ भारत जब अभियान चलाया गया तो ट्रेनों पर भी खास फोकस किया गया, उसके बाद ट्रेन रेलवे स्टेशनों का साफ सफाई हुई, और उसके बाद हमने देखा कि रेलवे स्पीड पकड़ सके, विद्युतीकरण भी रेलवे का किया गया, वंदे भारत ट्रेन जैसी चलाई गई है। तो आज भी कुछ सौगात जो देने जा रही है। इसके अलावा भी पीएम ने बात करेंगे, जब वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे तो बताएंगे कि उनके मन में रेलवे को लेकर क्या भविष्य की योजना है, क्योंकि भारत है जी। वैभव बने रहिए, तुरंत लौटूंगा आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं। खबर रायपुर से है, आज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे लोकार्पण, रायपुर रेलवे स्टेशन में होगा लोकार्पण। तो बता दें कि कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लगभग 5,900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एसओपी योजना का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। पूरे देश से 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से लोग कार्यक्रम में जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, तो बड़ा अपडेट है। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार भी उपस्थित रहेंगे। तो ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। संवाददाता जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। जगजीत, जिस तरीके से ये बड़ी सौगात एक तरफ मध्य प्रदेश को भी मिल रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को भी बड़ी सौगात मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, लोकार्पण होगा, क्या कुछ खास रहने जा रहा है इस कार्यक्रम में, एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ही बात ना करें, हम 670 ऐसे स्टेशन है देश के जो जिन्हें आज सौगात मिलने जा रही है। अगर मैं रायपुर की अगर मैं बात करूं तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का आज लोकार्पण होने जा रहा है, जो स्थानीय तौर पे जो उपयोगी सामानों का जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे अब स्टेशनों में आसानी से बेचा जा सकेगा, उनके आजीविका का साधन बनेगा। तो जो निचले स्तर के जो लोग होते हैं उनके स्तर को बढ़ाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में ये पूरा भव्य कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के मौजूद होंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जो रेल मंडल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। और ये वन स्पेशल वन प्रोडक्ट ओपीसी जो ओएसओपी योजना जो है ये काफी कारगर साबित हो सकती है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों के लिहाज से। उसको लेकर के पूरी जो तैयारी की गई है वो भव्य रूप से की गई है। अब जिस रूप से आप देख सकते हैं कि लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ के देश के तमाम रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प करने में लगे हुए हैं, लगातार जो घोषणाएं और लगातार जो सौगातें देने का जो सिलसिला है वो पहले भी जारी था और आज भी जारी है। जी ठीक है जगजीत, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।